कराटे टीचर ने किया कुकर्म। चपरासी ने किया बलात्कार। की कह रही है कि टोपी वाले अंकल आए, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे अंधेरे की तरफ कमरे की तरफ लेके गए। अब वहां मेरे साथ छेड़छाड़ किया। क्लासरूम में बंधक बना बच्चा। स्कूल कांड। कहीं आपके बच्चे के स्कूल में भी कोई शैतान तो नहीं? मासूमों के साथ ये क्या हो रहा है? जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। अलग अलग शहरों से दिल दहला देने वाली अलग अलग घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और अब स्कूल के शैतानों के कहर की कहानियों ने हर मां बाप को थर्रा दिया है। स्कूल विद्या का वो मंदिर जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है वहां कोई शैतान भी हो सकता है? वो शैतान जो आपके बच्चे की मासूमियत के साथ खेल सकता है, वो शैतान जो आपके बच्चे के साथ कोई घिनौनी हरकतें कर सकता है, वो शैतान जो आपके बच्चे के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर सकता है। सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है वहां भी कोई शैतान हो सकता है। वो स्कूल का कोई टीचर हो सकता है, कोई माली, कोई चपरासी, स्कूल बस का ड्राइवर या फिर कोई और, वो कोई भी हो सकता है। और अब स्कूल के ऐसे ही शैतानों की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दास्तान अलग अलग शहरों की है, अलग अलग स्कूलों की है, जहां स्कूल में ही बच्चे बन गए हैवानियत का शिकार। सबसे पहले कहानी गुरुग्राम की, जहां शहर के नामी रैन इंटरनेशनल स्कूल में फूल से प्यारे एक बच्चे के मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुशी से स्कूल जा रहा था जब वो बहुत छोटा था, नर्सरी क्लास का बच्चा था, तो वो मतलब सुबह उठने के लिए रोता था, फिर हम उसको फ्रेश करके रेडी कर देते थे, फिर उसको कोई नहीं, अपना आराम से खुशी खुशी जाता था। क्यों? क्योंकि आराम से अपना वहाँ उसको दोस्त मिलते थे। और इस बीच में हम खुद भी बोलते थे कि अब प्रद्युम्न बड़ा हो गया, वो खुद से उठ के, खुद से नहा के, खुद से कपड़े भी पहनता था। हम उसके लिए, मैं सिर्फ लंच उसका पैक करके उसके बैग में डालती थी, सब कुछ वो खुद से करता था। मैं सर, शुक्रवार की सुबह 7 साल का प्रद्युम्न रोज की तरह उठकर स्कूल के लिए तैयार हुआ। तैयार होकर वो अपनी बहन के साथ स्कूल तो गया, लेकिन उसके स्कूल से लौटने से पहले उसकी हत्या की खबर पूरे शहर में फैल गई। मेरी बेटी अंदर तक उसके साथ में गई है, जहाँ से उसका क्लास अलग होता है वहाँ से वो ऊपर की तरफ चली गई, बेटा मेरा अपने क्लास की तरफ चला गया। ऐसा वो सिर्फ आधा आधा सेकंड, आप बोलो उतने देर में ही ऐसा क्या हो गया? गुरुग्राम में शहर के नामी रायन इंटरनेशनल स्कूल में मासूम प्रद्युम्न की हत्या ने लोगों को गुस्से से भर दिया। लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी, धरना, विरोध प्रदर्शन। मासूम प्रद्युम्न की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है। लोग इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो स्कूल के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी लोगों ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। मासूम प्रद्युम्न की हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए जब कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, तो लोगों को हटाने के लिए
पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ तो रेहान स्कूल में बच्चों की मौत पर पुलिस किसी भी तरह की जांच करने में नाकाम है, और दूसरी तरफ यहां पर पहुंचे अभिभावकों और माता पिता और मीडिया के साथ धक्का मुक्की हुई है, और हम इससे सबूत दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, हमारे कैमरामैन जो थे उनको धक्का गया, वो गिरे यहाँ पर, और ये घड़ी यहाँ पर उनकी जो घड़ी है वो टूटी, और ये धक्का मुक्की लगातार की जा रही है यहाँ पर। हालांकि इस जगह को खाली कराने की बात कही जा रही है, और आप यहाँ पर माहौल देखेंगे कि लगातार जो क्लैश है वो यहाँ पर हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से की जा रही है, और धक्का मुक्की लगातार चल रही है। और यही नहीं, चाहे प्रदर्शन हो, देखिए लाठी चार्ज की तस्वीरें, ये लाठी चार्ज की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस की माने तो दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद वो पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। बच्चों के अभिभावक स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसकी भी तहकीकात की जा रही है। इसी बीच खुद प्रद्युमन की मां ज्योति ठाकुर ने भी एबीपी न्यूज से अपनी आशंकाओं का इजहार किया है। ज्योति की माने तो उनको हत्या के लिए कंडक्टर को जिम्मेवार मानने वाली पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा। भले ही कंडक्टर ने इकबालिया बयान दिया हो, लेकिन प्रद्युमन की मां को ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही कि बस कंडक्टर उनके बेटे की हत्या करता। जब मेरा बच्चा स्कूल बस में नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा जब मान लो कि उस आदमी से कभी बात नहीं किया, कभी उससे कोई अगर बस में जाता तो शायद बात भी करता, जब हम नहीं जान रहे उसको, तो वो आदमी क्यों मारेगा मेरे बच्चे को? मैं ये पूछ रही हूँ, वो क्यों मारेगा मेरे बच्चे को? ज्योति का ये भी आरोप है कि अगर पुलिस की बात का यकीन करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रद्युमन को चाकू से मारने की कोशिश करता है और वो अपने बचाव में चिल्लाता भी नहीं। ज्योति अपने बेटे की मौत को एक प्री प्लान्ड मर्डर बता रही है। क्या हो गया सर, ऐसा क्या हो गया कि उसका चीख भी किसी कोई नहीं सुना? वो अपने बचाव में चीखा तो बच्चा जरूर होगा, बच्चे को चोट लगती है तो भी बच्चा रोता है, बच्चे को चोट लगती है तो भी बच्चा रोता है। क्या इतना अगर कोई उसके सामने चाकू निकाला होगा वो एक बार चीखा नहीं होगा? सर ये पहले से ही प्लान किया हुआ था। अपने 7 साल के जिगर के टुकड़े को खो देने के बाद ज्योति टूट गई हैं। वो इतनी सहम गई हैं कि बेबस होकर ये सवाल कर रही हैं कि क्या बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको स्कूल भेजना बंद करना होगा? जब हम बच्चे को डालते हैं स्कूल में तो एक आश्वासन के साथ में डालते हैं कि घर में एक माँ बच्चे को देखती है, और स्कूल में हम माँ के तौर पे बच्चे को टीचर्स के पास छोड़ते हैं कि एक दूसरी माँ के पास हमने अपने बच्चे को हैंडओवर किया है, ठीक है? फिर अगर इस तरीके से लापरवाही हुआ होगा तो फिर तो कोई भी माँ बच्चे को नहीं स्कूल भेजेगी। प्रद्युमन की माँ ज्योति ठाकुर अपने बेटे की मौत के पीछे किसी गहरी साजिश की बात कह रही हैं। उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या के पीछे किसी की कोई बड़ी साजिश है, और इसीलिए वो चाहती हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि पूरे सच का खुलासा हो सके। कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे सीबीआई जांच चाहिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का असली कातिल सामने आए, चाहे वो कोई भी हो, और सर चाहे वो जो भी स्कूल से कोई भी इंसान हो, उसको आप सामने लाओ और उसको आप सजा दो। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, और इसीलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीबीआई भी हमारी देश की बॉडी है और उसकी मदद पुलिस ले सकती है, पुलिस ले उसकी मदद, और इसका एक साइड बाय साइड पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से कर रही है, ये मेरे को विश्वास है और करेगी, ये भी विश्वास है। लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, ताकि हर छोटी सी छोटी चीज़
जो इस केस से इन्वॉल्व है वो बारीकी से बाहर आ जाए और कोई कल्प्रिट ना बचे। गुरुग्राम में मासूम प्रद्युम्न की मौत के बाद उठे सवालों ने हर माँ बाप को थर्रा दिया है। सवाल ये है कि जो स्कूल प्रशासन पढ़ाई के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मोटी रकम फीस के रूप में वसूल करता है, क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी नहीं है? आखिर स्कूल के टॉयलेट में मासूम प्रद्युम्न के कत्ल की इस कहानी का पूरा सच क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। और अब दास्तान दिल्ली की, जहां स्कूल में पढ़ने के लिए गई 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। गुड़गांव के बाद दिल्ली के स्कूल में बच्ची का यौन शोषण। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में 5 साल की बच्ची से हुआ रेप। स्कूल के चपरासी पर लगा बच्ची से दरिंदगी का आरोप। जगदीश गुरुग्राम के स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या पर इंसाफ की मांग कर रहा था। दिल्ली के एक स्कूल में उसी दौरान 5 साल की एक बच्ची हैवानियत की शिकार बन रही थी। आरोप है कि स्कूल के चपरासी ने ही मासूम से जोर जबरदस्ती की और फिर डरा धमका कर उसके साथ किया बलात्कार। आरोपों के मुताबिक पीड़ित बच्ची शहादरा के प्राइवेट स्कूल की पहली क्लास में पढ़ती है। कल करीब 12:45 बजे आरोपी चपरासी बच्ची को अकेला पाकर उसे उठाकर खाली क्लासरूम में ले गया, जहां उसने मासूम बच्ची के साथ रेप किया। आरोप है कि रेप के बाद चपरासी ने बच्ची को किसी को कुछ न बताने की धमकी दी। हैवानियत का शिकार हुई बच्ची स्कूल में चुप रही, लेकिन घर पर जब दर्द हुआ तो माँ को सब कुछ बता दिया। घटनाक्रम यह है, मेरी बच्ची स्कूल में टैगो पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, वहाँ से लेके आया दोपहर में मैं, तब मैं तो अपना खाना पीना खा के बच्चों को छोड़ के चला गया था। मेरी मिसेज का फ़ोन आता है 1 घंटे बाद कि पेशाब के रास्ते ब्लड जा रहा है। फिर यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि पुलिस केस है जी, फ़ोन करो जी। वो इस तरीके से बताई है जी कि लड़की कह रही थी कि मैं पानी पीने के लिए गई, जहाँ वाटर शॉप होगा इनका स्कूल वालों का, तो वहाँ पे जो है एक टोपी वाले अंकल आए, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे अंधेरे की तरफ कमरे की तरफ लेके गए और वहाँ मेरे साथ छेड़छाड़ करी। ये घटना छुट्टी के बाद की है, स्कूल के वक्त की। बताया जाता है कि आरोपी चपरासी प्राइवेट स्कूल में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। पहले वो स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था। बच्ची के बलात्कार के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। गांधीनगर रेप मामले में जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। ये स्कूल में प्यून का काम करता है। मेरा नाम विकास। आपने क्यों किया? क्यों किया? हमने ऐसे कुछ नहीं करा। नहीं तो क्या जहन में था आपके जिसमें ये करती? सुनिए पहले आप मेरी बात। क्यों किया था? क्यों किया? मुझे बोलने दिया जाएगा? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए हम स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं, लेके जाते लेके आते, 15-20 साल हो गया और यही काम है हमारा। 38 साल के आरोपी का नाम विकास है और वो पिछले 3 सालों से स्कूल में चपरासी का काम करता था। साथ ही साथ वो स्कूल के बच्चों को उनके घर से लाने ले जाने का काम एक रिक्शे में भी करता था। भले ही आरोपी ने कैमरे के सामने ये बोला हो कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस के सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया ये शैतान अपनी सफाई में कुछ भी कहे, बच्ची ने इसकी करतूतों का पूरा खुलासा कर दिया है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई है। पीड़ित बच्ची के पिता की माने तो घटना के बाद से ही उनकी लाडली इतने सदमे में है कि उसे मनोचिकित्सक की देखरेख में रखा गया है। उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी ये आप सोचने में परेशान हो रहा हूँ, कौन से में पढ़ाऊँ, किस में पढ़ाऊँ, किस में नहीं पढ़ाऊँ, कहाँ हर अभी स्कूल में भी हम जाके बैठे हैं बच्चों के साथ। प्राइवेट स्कूल पढ़ाई के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने या दूसरे कामों के लिए वो जिन्हें नौकरी पर रखते हैं उनके बारे में अक्सर जरूरी तहकीकात नहीं की जाती है और यही लापरवाही किसी बड़ी वारदात के रूप में सामने आती है। सनसनी में आप देखिए एक ऐसे स्कूल की कहानी जहां कराटे का टीचर ही बन गया बच्चों से जोर जबरदस्ती करने वाला शैतान। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स किसी शैतान से कम नहीं है। नाम है कासिम। ये यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल में
बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था, ये बच्चों को कराटे और ताइक्वांडो सिखाता था। लेकिन अब पता चला है इसी ट्रेनिंग की आड़ में ये मासूम बच्चों से दुष्कर्म भी करता था। इतना ही नहीं, अपने पाप को छुपाने के लिए ये बच्चों को धमकी भी देता था। सर, ये अच्छा, तो क्या कहते थे सर? हमारे साथ ये दंडी हटा था, ये दंडी हटा था। पुलिस के मुताबिक 4 सितंबर को भी शैतान टीचर कासिम ने एक छात्र के साथ घिनौनी हरकतें की थी। डरा धमका कर इसने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। बच्चे को इसने धमकी दी थी कि किसी को कुछ बताया तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन पीड़ित बच्चा इसकी धमकियों से नहीं डरा और उसने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। बच्चे की बात सुनने के बाद घर वालों ने तुरंत पुलिस में कोच कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। ये आज एक नाबालिग के पिता थाने पर आए, जिनमें 3 बजे उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ दुष्कर्म किया गया है। दिनांक 4 तारीख को शाम के 3 बजे इस संबंध में आज हमारे थाने पर FIR दर्ज हुई है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये शैतान कोच अब तक कई बच्चों के साथ कुकर्म कर चुका है, लेकिन पुलिस के सामने अब तक सिर्फ 2 नाबालिग बच्चों ने ही इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बच्चों का दुश्मन कहीं भी हो सकता है, वो शैतान कोई भी हो सकता है। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ाने से पहले यह जरूर देखें कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको लगे कि आपका बच्चा परेशान है तो प्यार से उससे उसकी परेशानी की वजह जरूर पूछें। याद रखिएगा, आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके बच्चे को किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी, ये है ABP News, आपको रखे आगे।